Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 6 of snapshot. The Gate of the Only World, written by Amitav Ghosh. अब उन्होंने इस पूरे चैप्टर में अपने फ्रेंड के बारे में बात की है जब उसकी डेथ हो जाती है. उसके बाद लिखा है अ डाइंग मैन अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम कश्मीर आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर हिज ही इज गॉन. द फॉलोइंग पेज इज व्हाट अमिताव घोष रॉट टू कीप हिज प्रॉमिस. अब देखिए यहाँ पे जो एक बंदा है जिसको कश्मीर से निकाल दिया गया है वो अपने फ्रेंड यानी जो उसका फ्रेंड राइटर है यानी हमारे अमिताव घोष उनको कहता है कि मैं जब मर जाऊँ मेरी डेथ हो जाए आप मेरे बारे में कुछ लिखना क्योंकि अमिताव घोष राइटर है. और अमिताव घोष उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं ठीक है मैं आपके बारे में कुछ लिखूँगा. अब उस प्रॉमिस को निभाने के लिए उन्होंने ये लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फर्स्ट टाइम दैट आगा सलीम अली. अब यहाँ पे वो कश्मीर में से जो निकाला गया पर्सन था वो कौन था आगा शहीद अली इसको अली था. तो स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25th 2001. अब उसकी डेथ से पहले उन्होंने लगभग बात की थी 21st April 2001. क्या बात हुई थी कि कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम that he had been invited to the friend's house for lunch and that I was going to come by this apartment to pick him up. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, Shahid was still on his feet and perfectly lucid, except from occasionally lapses of memory. I heard him thumping through his engagement book and then suddenly he said, oh dear, I can't see a thing. There was a brief pause and then he added, I hope this doesn't mean that I am dying. देखिए ये आगा शहीद अली जो है उनको कैंसर है. अब जो जनरली वो लोग कन्वर्जेशन कर रहे हैं उन्होंने हमारे राइटर ने उनको टेलीफोन किया था बताने के लिए कि उनके दूसरे फ्रेंड ने उन्हें इनवाइट किया है लंच के लिए. अब ये आगा शहीद अली हैं वो जनरली 14 मंथ्स से ट्रीटमेंट ले रहे थे क्योंकि उन्हें कैंसर. इस वजह से वो वैसे तो वो एकदम ठीक थे नॉर्मल थे पर कभी कभी वो अपनी मेमोरीज जो है लॉस कर देते थे. उन्हें याद नहीं आता था कि क्या है क्या करना है तो इस वजह से वो एक बुक रखते थे जिसमें सारी एंट्रीज रखते थे कि क्या क्या करना है क्या क्या हुआ है ऐसा. तो उन्हें या वो नोट करते हैं शायद और फिर वो कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मरने वाला हूँ या मैं मर रहा हूँ. ऑल दोस्त शाहिद एंड आई हैव टेकन अ ग्रेट थिंग ओवर द लास्ट मेनी वीक्स. अब देखिए किसी भी व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी होती है तो वो क्या होता है उसको उम्मीद नहीं रहती जीने की क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है शायद वो इतनी जानलेवा. और पहले जब अभी तो उसके काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आ गई है इस वजह से कैंसर है वो उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं उसको मिटाया जा सकता है. पर कई स्टेजेस तक अगर वो आगे बढ़ जाता है तो इंसान को ख़त्म करके ही जाता है यानी कि इंसान मर जाता है कैंसर जैसी बीमारी में क्योंकि उसके पूरे शरीर में वो फैल जाता है और फिर सारे नर्व्स काम करना बंद कर देते हैं. तो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और कभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी थी और इस वजह से वो जो जिसको कैंसर होता है उसको मौत के ख्याल ही आते रहते हैं कि कब पता नहीं मैं कब मर जाऊँगा मेरे पास पता नहीं कितना टाइम है और जीऊँगा. तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप हर पल मौत के खौफ में रहते हैं. तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है. ऑल्दो शाहिद एंड आई हैड टेकन अ ग्रेट ब्रेक ओवर द लास्ट मेनी वीक्स आई हैड नेवर बिफोर हैड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ. आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. हिज वॉइस वाज कंप्लीटली एट ओवर विद द कंटेंट ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड लाइक टू द पॉइंट ऑफ चेटुलरिटी. आई मर्मर्ड समथिंग इन non-fuels, no Sahib, of course not, you will be fine, he cut me short in the tone of voice that was so at once physical and detailed. He said, when it happened, I hope you will write something about me. यह तो मेन बात आ रही है यहाँ पे.
शाहिद जो है या फिर वो हमारे जो राइटर हैं उनके बीच पहले कभी ऐसी डेथ की बातें नहीं हुई थी, इन टॉपिक में उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था, पर अब शाहिद ने उनके उनसे ये डेथ की बात छेड़ी है और वो चाहता है कि जो हमारे राइटर हैं वो कुछ लिखें जब उसकी डेथ हो जाए, उसके डेथ के बाद उसके बारे में कुछ लिखें। तो हमारे जो राइटर हैं वो कहता है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, जैसे सब लोग बोलते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी कभी कभी किसी को जो है सिंपथी देने के लिए बोल देते हैं कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, पर रियली में जो जिसकी सिचुएशन होगी उसे पता होता है कि क्या उस पर बीत रही है। तो फिर भी हम उसको पॉजिटिव थिंक में ही आंसर देते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो राइटर भी ये बोलते हैं कि नहीं, डेथ नहीं होगी तुम्हारी, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर जब मैंने वो जो जिसकी साइड अली है वो कहता है कि आप अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे ये कुछ लिखना क्योंकि आप राइटर हो। आई वॉज श्योर हिम टू बी साइड अली, अ लॉन्ग मूवमेंट पास बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू स्टे इन द पीपल से ऑन सच ओकेशन साइड यू विल बी फाइन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जैसे कि ऑकेशनली सब लोग बोल लेते हैं कि हाँ शायद तुम ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब लोग ऐसा बोलते हैं मेरे को जो नॉर्मल है। पर वो दोनों थोड़ी देर साइलेंट हो गए तो उनको उसको क्या जवाब दूँ मैं कि इसकी डर के बाद मैं लिखूँगा लिखूँ, एक सोच में पड़ गए। लेखक हैं जो हमारे फ्रॉम दी विंडो विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच वी लिव सम एट ब्लॉक्स अवे, इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ सिंस ही मूव्ड देयर, ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट when he had sudden black out in February 2000 after testing the revelation that he had a malignant brain tumor, he decided to move up Brooklyn to be close to the younger sister Samita, who teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live. वो बोल रहे हैं कि जो ये जहाँ पे रह रहा है साइड अली वो थोड़ी दूर, मेरे घर से थोड़ी दूर था, मैं अपनी स्टडी रूम से उसकी जो बिल्डिंग है उसको कॉर्नर देख पा रहा हूँ। और पहले जब तक वो कब तक रहता था 2000 फरवरी पहले रहता था, फिर वो कहाँ चला गया, वो शिफ्ट हो गया अपनी बहन के वहाँ ब्रुकलिन में क्योंकि उसके पता चला कि उसको ट्यूमर है, तो तब से वो उसकी छोटी बहन थी उसके पास ही रहता था और उसकी बहन प्रांत स्कूल में टीचर थी। साइड इग्नोर में Side ignored my resilience. He began to laugh and it was then that I realized that he was a that serious. फिर जब ये बोला ना कि साहिब तुम फाइन यू विल फाइन तुम ठीक हो जाओगे तो साहिब हंसने लगा क्यों, और तब जो है हमारे लेखक को हमारे राइटर को रियलाइज हुआ कि नहीं शायद ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो आई अंडरस्टूड दैट आई वॉज एंटूस्टिक मी विद रिक्वायर्ड स्पेसिफिक चार्ज ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर ही नॉट टू द स्पोकन वे डिसिटेटिवली ऑफ मेमरी एंड फ्रेंडशिप बट ब्लॉगी राइटिंग वर्क। साहिब मगर उसने कहा था कि तुम मेरे बारे में कुछ लिखना, तो वो चाहता है कि मैं उसको मेमरी में सिर्फ याद ना रखूँ, उसको फ्रेंड याद ना रखूँ, पर उसे वर्ड्स में भी उसे याद रखूँ, मतलब कुछ लिखूँ उसके ऊपर। Then Sahib knew all too well that for those writers, for the good things become a real only in the process of writing. There is an inbuilt resistance of dealing with loss and bereavement. He knew that my instincts would have led me to search for a research not avoid writing about his death. I would have told myself I was not a poet. Our friendship was a recent date, and that there were many others who know him much better and would be writing from a greater understanding and knowledge. All this Sahib had guessed, and he has decided to start of course working well the best till then. अब देखिए ना राइटर कहते हैं कि वो नहीं लिखना चाहते थे डेथ वाले, जनरली जो राइटर्स होते हैं यहाँ पर दिया गया है कि राइटर्स डेथ को और ऐसे लॉस किसी को खोना ऐसे पे बहुत कम लिखते हैं, वो ऐसे टॉपिक को जनरली रिफ्यूज करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भी नहीं लिखना चाहता हूँ ऐसा कुछ, इसलिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं क्या कहूँ उससे कि जिससे ये मैं उसको मना कर पाऊँ। तो वो कहते हैं
हमें अभी अभी हम फ्रेंड्स बने हैं, तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं क्या लिखूँगा? इससे अगर कोई और तुम्हारा फ्रेंड हो, जो राइटर हो, मतलब मैं तो इतना अच्छा राइटर भी नहीं हूँ, और कोई तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हो, राइटर हो, तुम्हें बहुत सालों से जानता हो, वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख पाएगा, और ये टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म कर दूँ, ऐसा हमारे राइटर सोचते हैं। यू मस्ट राइट अबाउट मी। तो वो कहते हैं नहीं, आपको मुझे मेरे बारे में लिखना ही चाहिए। वो उन्हें बोलता है कि ये सब बातें, पर जो साहिद है वो कहता है कि नहीं, आपको मेरे बारे में लिखना चाहिए। जैसे वो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, क्लेम थॉट इट वॉज दैट इन इम्पेरेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज, आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, व्हाट आर दी वर्ड्स इन विच वन प्रॉमिस्ड अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। फाइनली आई सेड साहिद आई विल, आई विल डू द बेस्ट आई कैन। फाइनली वो प्रॉमिस कर देते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे बारे में लिखूँ। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।